यही क्वेश्चन है कि मतलब पब्लिक का भी डिमांड है और मेरा भी डिमांड है, सर आप बताइए कि आपने मैम को मतलब प्यार किया पहले से, या वो जब टीचर की प्रोफेशन में आई उसके बाद आपको अच्छा लगा कि नहीं हमको मैम के साथ शादी करना चाहिए, इससे रिलेटेड आप बताइए, आप थोड़ा आज हम जानना चाहते हैं सर। आपके सवाल को मैम वापस सुनना चाहेंगे, क्या हुआ पहले प्यार हुआ, क्या आप क्या सवाल क्या था, क्या हुआ पहले प्यार हो गया? हाँ सर, मतलब कि सर जब वो स्टूडेंट थी सर तब आपने तब से उनको प्यार करना शुरू किया, या सर जब वो टीचर कैरियर में आई? हाँ सर, तो तब आपने उनको चूज किया कि नहीं ये मेरी पार्टनर बन सकती है, मेरी लाइफ जुड़ सकती है, तो मेरा ज्यादा कैरियर अच्छा होगा सर, इससे ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, अब मैं इसका सवाल का जवाब देते हैं। पहली बात तो अंकिता मैम जो टीचिंग के प्रोफेशन में आई वो आई थी, शी हैड ऑलवेज यू नो दैट ड्रीम कि मुझे टीचिंग में आना है, और संजोग ऐसा था कि हम ही टीचिंग में थे, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा हो गया एनवायरनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो जिंदगी में वो जो करना चाह रही थी हम उसी फील्ड में ऑलरेडी थे। पर ये बात सही नहीं है कि उन्होंने हमसे मोहब्बत की और हमने उनसे की, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के टीचर, हम टीचिंग प्रोफेशन में, हमें पहले मोहब्बत हुई, हमें इश्क हुआ और फिर हम दोनों ने इस प्रोफेशन में हम लोग आए। अब ऐसा जब था कि हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती थी, वो हमारे स्टूडेंट थे, तो ऐसे ही हमारी शादी की बात चल रही थी, तो फैमिली एक दूसरे को जानती थी, तो बोला कि एक लड़की है तो आप चाहेंगे शादी करना, तो मैंने कहा कौन सी, बोले ये है, मैंने कहा ये तो मेरी स्टूडेंट है, मैंने कहा तो बोला गलत हो जाएगा, बोले नहीं अब गलत क्या है, वो तब स्टूडेंट तो थी आपके, अब तो उनका CA CA फाइनल में ही है वो, तो घर वालों ने कहा एक काम करो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, आप मिला करो, अब बातें करेंगे, हो सकता है। तो मैंने कहा, उन्होंने भी कहा हमने कभी सर को इस नजर से देखा नहीं, हमने भी कभी देखा नहीं, बिकॉज हम जब क्लास में थे तो हमारे वी वर लाइक जस्ट लाइक यू नो स्टूडेंट। तो उसके बाद में ये हुआ कि हम लोग मिलने लगे, फिर हमसे ही हमारे फैमिली ने पूछा कि आपको अब एक्सेप्टेंस है, तो हमने जब क्या होता है कि शादी एक ऐसा टॉपिक है, शादी उन लोगों से साथ में होना चाहिए जिनके साथ में हम लोग जिंदगी बिता सकते हैं, जहाँ पे जिंदगी जीने का मौका मिले, ना कि जिंदगी काटने का मौका। हम जब उनके साथ में रहते हमें बहुत अच्छा लगता था कि हमारा टाइम अच्छे से जा रहा है, बिकॉज हमारे बहुत सारे थॉट्स मैच हो रहे थे, और स्पेशली जो लोग सेम प्रोफेशन में आ जाते हैं ना तो बहुत सारे टॉपिक्स क्या हो जाता है, हम लोग बात करने योग्य हो जाते। ऐसा नहीं कि हम लोग डॉक्टरों से शादी नहीं कर पाते, पर क्यों बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती एक दूसरे की, हमारे अटेम्प्ट समझ में नहीं आते, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। अब अंकिता मैम को अभी इस समय भी मैम का फोन आया था, क्या चल रहा है, हमने बोला ये चल रहा है, शी डिड नॉट आस्क मी मोर क्वेश्चंस, बिकॉज उनको पता है ये सब सही हो रहा है। अगर शी वुड हैव बीन इनटू डिफरेंट दिस थिंग, तो मुझे चार और सवालों के जवाब देना पड़ते। अगर मैं आज वन डे बिफोर रिविजन लेक्चर ले रहा हूँ, मैं रिविजन ले रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ, उनको पता है ये नॉर्मल है, ऐसे ही होने वाला है। तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात थी कि हम उनके साथ में थे, हमें समझ में आने लगा था कि यहाँ पे जिंदगी बहुत आसानी से कट सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ही कम हो सकती है। देखो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है शादी में, बिकॉज दो इंसान अलग माहौल में पढ़ते हैं तो एकदम 100% तुम्हारे थॉट्स मैच नहीं होते, 100% कहीं ना कहीं नोकझोंक तो होती है, आप भी अपने मम्मी पापा को देखते होंगे, बट हम लोग ये देखते हैं कि वो हमें समझे। और जहाँ तक कि हम लोग CA की जिंदगी, वो बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाती, क्यों, बिकॉज हम लोग को कुछ अलग ही काम है, एक तो हमें CA बनते तक भी काम करना पड़ता है और CA बनने के बाद भी बहुत काम करना पड़ता है, तो हमें समझने वाला इंसान सच में बहुत बहुत स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी एक्चुअल में बहुत हार्डवर्किंग वाली है। ये आप लोग जो कर रहे हो, ये शायद से CA के बाद में भी आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ पार्टनर ऐसी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपकी काम को अप्रिशिएट करे, ना कि आपको बजाए। हर बार यही बोला जाता, तेरा तो रोज का ही नाटक है, तो रोज ही लेट आती है, तो रोज ही लेट आता है, तो इसलिए हमने वो चीज़ देखा कि हमारी जिंदगी में वो चीज़ें बहुत फेवरेबल है और हमारी वेवलेंथ मैच हो रही थी। और फिर हमने शादी की, उसके बाद में फिर उनकी बहुत इच्छा थी, तो देन
एसपीसी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच।